जय श्री राम मेरे प्यारे जातक जातिका, मानस ज्योतिष ज्ञान के बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। आखिर जिस प्रकार से भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम में लगे हुए हैं, जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, उनका आने वाला समय किस प्रकार का होगा, 2024 का जो इलेक्शन होने जा रहा है लोकसभा इलेक्शन, उसमें उनकी क्या परिस्थिति होने वाली है, इस पर आज इस कुंडली में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। वो अपने कार्य को कर रहे हैं, हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम अलग अलग राजनेताओं की कुंडलियों पर अच्छी तरीके से विश्लेषण करने का प्रयास करें। सो अगर हम प्रधानमंत्री जी की कुंडली को मानते हैं, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू ही प्राप्त हुई है, नेट के थ्रू ही प्राप्त हुई है, 17 सितंबर 1950 गुजरात महसाणा के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म माना जाता है। जन्म वृश्चिक लग्न के अंतर्गत हुआ है, वृश्चिक राशि के अंतर्गत हुआ है। मंगल पंच महापुरुष योग में से रुचक नामक योग बना करके बैठे हुए हैं। लग्न में मंगल और चंद्रमा हैं, साथ में फोर्थ हाउस के अंतर्गत बृहस्पति हैं। ये शास्त्र कहता है कि फोर्थ हाउस के अंतर्गत बृहस्पति आपको एक संत हृदय व्यक्ति बनाते हैं, संत जैसी परिस्थितियां आपके अंदर उत्पन्न करते हैं, संत हृदय व्यक्ति आपको तैयार करते हैं, ये बृहस्पति की परिस्थिति होती है। पंचम भाव में राहु जाकर के बैठे हुए हैं, दशम भाव में शनि और शुक्र जाकर के बैठे हैं, एकादश भाव में केतु बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। सो ये टोटल उनके कुंडली की परिस्थिति है। पंचम भाव में मंगल के क्षमा चाहूंगा लग्न में स्वग्रही मंगल के होने के कारण, साथ में भागेश चंद्रमा के होने के कारण जो परिस्थितियां बनी वो इस प्रकार की बनी कि व्यक्ति अपने आप को लौह पुरुष बना पाया, व्यक्ति सभी चट्टानों से टकराते हुए अपने आप को उभार लेकर के आ पाया, व्यक्ति अपने स्ट्रांग डिसीजंस के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहा, व्यक्ति ने स्वयं स्ट्रांग डिसीजन लिया। चंद्रमा के नीचस्थ होने के कारण काफी सारी तनावपूर्ण परिस्थितियां इनको भी देखनी पड़ी, लेकिन भगवान शिव की आराधना ने, भगवान शिव की भक्ति ने इनको चंद्रमा के नेगेटिव इंपैक्ट से दूर रखा, बेहतर किया। श्री रामचरितमानस कहता भी है कि इच्छित फल भिन्न शिव औराधे और लाही न जोग जग जप साधे। शिव की आराधना आपको इच्छा अनुसार फल देने वाली होती है, और शिव में कितनी आस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी को है ये हम सभी लोग जानते हैं। तो सबसे पहले चीज, इनका जो विचार रहा, इनका जो व्यक्तित्व रहा, हाँ ऐसा नहीं रहा कि ये मानसिक परेशानियों से अछूते रहे। हम लोग जो देखते हैं वही सब सत्य है, ये परिस्थिति नहीं होती है। मानसिक परेशानियों ने इनको भी बहुत परेशान किया है, ऐसा इस कुंडली के अंतर्गत नजर आता है। लेकिन चतुर्थ भाव का बृहस्पति एक बहुत सुंदर संयोग तैयार करता है, जिसको शायद हम लोग एक बहुत सुंदर संयोग के रूप में देखते हैं, जो एक ऋषि तुल्य हृदय को तैयार करता है, उस प्रकार की परिस्थिति इनके जीवन के अंतर्गत नजर आती है। आप अगर उठा करके देखेंगे, कुछ दिनों से अगर हम भारतीय प्राइम मिनिस्टर जी की परिस्थिति को देखें तो शायद बहुत उसके अंदर वृद्धि आई है। ऐसा आखिर क्यों हुआ है, क्यों इतनी सारी वृद्धि आई है? और अगर हम बात करते हैं इनके स्टार्टिंग को लेकर के, कि जो शुरुआती जीवन की हम बात करें, शुरुआती जीवन में इन्होंने कहा कि हाँ बहुत सारी मुश्किलें हमको देखने को मिली है, बहुत सारा संघर्ष हमको देखने को मिला है। इवन ये हुआ कि चाय बेच करके या बहुत मेहनत करके इन्होंने जीवन की शुरुआत की, आखिर ऐसा क्यों हुआ? आप अगर भारतीय प्राइम मिनिस्टर को देखेंगे, शनि की महादशा के अंतर्गत भारतीय प्राइम मिनिस्टर का जन्म हुआ था, और शनि सिंह राशि के अंतर्गत जाकर के दशम भाव में बैठे थे, यानी छोटे से कार्य से आपके जीवन की शुरुआत कराएंगे। शुरू में बहुत स्ट्रगल, शनि 10th हाउस में करीब जीवन के 36 वर्ष तक आपको बहुत मेहनत कराते हैं, इस प्रकार की परिस्थिति आपको देखने को मिली नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में। जीवन के पहले वर्ष में जब भी शनि 4th हाउस को दृष्टि देते हैं, पहले वर्ष में आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, 36वें वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त होता है और वो जाकर के भारतीय प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हुआ। उसके बाद बुध और सूर्य का एक साथ होना, आदित्य योग होना, और कन्या राशि में आदित्य योग का बनना, बुध आदित्य योग का बनना, शायद इनको फिर उस प्रकार के ज्ञान की प्रक्रिया में लेकर के गया
जहां से इन्होंने पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा और सफलता को प्राप्त करते हुए चले गए। केतु आए 1979 से लेकर के 85 के अंतर्गत, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही। फिर मार्केश शुक्र का आगमन हुआ इनकी कुंडली के अंतर्गत, मार्केश शुक्र 2025 तक रहे। आप लोगों ने इस बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे ब्लेम, बहुत सारी दिक्कतें आपने देखा, लेकिन 2005 में नवंबर में सूर्य के आने के बाद जो कि दशमेश थे, वो सारे जो बवाल, चाहे वो गोधरा कांड को लेकर के देखा जाए, चाहे जिस परिस्थिति को देखा जाए, उससे बाहर निकलते हुए रेगुलर चले आए और धीरे धीरे उत्तरोत्तर बढ़ते चले गए। चंद्रमा आए 2011 में, नीचस्त बेशक थे लेकिन लग्न में मंगल के साथ थे। कुछ नया करने का जज्बा, कुछ नई करने की सोच, कुछ बेहतर करने की सोच को क्रिएट किया। अब उसके बाद जब आगे बढ़ते चले जाते हैं, अभी 2021 में अगर हम बात करें, स्पेशली 2022 में, तो मंगल जो कि इनकी कुंडली के लिए सबसे बेहतरीन प्लैनेट है, वो अपनी दशा के अंतर्गत आए, जो अपनी राशि में बैठे हैं, और यहां से लेकर के 2028 तक, यहां से लेकर के 2028 तक मंगल को गोचर करना है। यानी हम 24 में जो इलेक्शन देखने जा रहे हैं, इस इलेक्शन को सिंह के जैसे फेस करने वाले हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और आप लोग भी बहुत सारे डिसीजन, चाहे आप मुख्यमंत्रियों के परिवर्तन को लेकर के देख लीजिए, आप चाहे उठा करके देख लीजिए यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर के, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लेकर के, राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर के, अपने दम पर इलेक्शन को लड़ा है विदाउट किसी सीएम, जो कैंडिडेट था उसको प्रेजेंट किए हुए, खुद के चेहरे पर इलेक्शन लड़ा और जीत करके सबको दिया और ऐसे डिसीजन लिए जो शायद सबसे चौंकाने वाले डिसीजन थे। 2024 का इलेक्शन जो होने जा रहा है उस पर भी इस प्रकार के डिसीजन लेंगे और 2028 तक एक सिंह की तरह, एक पूरी ताकत के साथ देश की सेवा में तत्पर रहेंगे, लड़ते रहेंगे। हाँ, 2028 के बाद 2029 में मुझे लगता है अगले इलेक्शन में ये शायद इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। बिकॉज राहु की दशा आएगी तो ये वैराग्य युक्त अपने आप को बनाएंगे, इस प्रकार की कंडीशन इस कुंडली में दिखती है। अब क्या कहते हैं 2024 में इनके सितारे, क्या कहते हैं, क्या इलेक्शन में सफलता प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे। सो अभी मंगल दशा में चल रहे हैं, बहुत स्ट्रांग प्लैनेट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अप्रैल तक बृहस्पति अंतरदशा में रहने वाले हैं, 19 अप्रैल तक यहां पर सपोर्ट निश्चित रूप से बहुत बेहतर प्राप्त होने वाला है। लेकिन 19 अप्रैल से शनि जो है वो अंतरदशा में प्रारंभ होंगे। मंगल के साथ शनि का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन नहीं माना जाता है, बेशक शनि 10th हाउस के अंतर्गत बैठे हुए हैं। सो 2024 के इलेक्शन में, अगर वो इलेक्शन आफ्टर अप्रैल होने जा रहा है, मैं दोबारा कह रहा हूं बिफोर अप्रैल हो रहा है, निश्चित रूप से काफी स्मूथनेस होगी उसके अंदर। लेकिन अगर वो 19 अप्रैल के बाद होने जा रहा है, सो यहां पर मुश्किलें काफी सारी देखनी पड़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रयास करना चाहिए मुझे लगता है आदरणीय प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि शनि उस टाइम पर जो गोचर कर रहे होंगे, कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, 4th हाउस में आकर के गोचर कर रहे हैं, वो बेहतरीन परिस्थिति है। लेकिन फिर भी अपनों के द्वारा भी काफी भीतराघात, अपनों के द्वारा भी काफी नुकसान का सामना आदरणीय प्रधानमंत्री जी को करना पड़ेगा, इस प्रकार की परिस्थिति है। खैर, यहां पर वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर के लेबर की तरह अगले इलेक्शन में मेहनत करें और जो जीत का मार्जिन होगा वहां पर बहुत बड़ा मार्जिन ना हो, लेकिन विजय प्राप्त करें, इस प्रकार की परिस्थिति प्रधानमंत्री जी की दिख रही है। क्या दूसरा सत्ता पर काबिज होते हुए दिख रहे हैं? मेरे दृष्टि से, क्योंकि अप्रैल के बाद मई तक बृहस्पति 6th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, मई तक 6th हाउस में बृहस्पति का गोचर करना अपनों के द्वारा शत्रुता को पूरी तरह से दर्शाता है, तो बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं दिख रही हैं, पर हां, विजय निश्चित रूप से प्राप्त हो ये दिख रहा है। काफी सारा भीतराघात, काफी सारे अपने लोगों से धोखा इत्यादि, इस प्रकार की परिस्थिति, और कुछ लोग पार्टी छोड़ करके जाएं, इस प्रकार का कंडीशन भी निश्चित रूप से दिखता है। अगर हम बात करते हैं साथ में भाजपा की कुंडली को लेकर के, कि भाजपा की क्या परिस्थिति, पूरा जो घटक दल हैं उनके साथ क्या संबंध रहने वाला है। जनरली हम
6 अप्रैल 1980 को स्थापना खैर भाजपा की बहुत पहले हुई, लेकिन 6 अप्रैल 1980 को 11:40 पर मिथुन लग्न के अंतर्गत इनकी स्थापना मानी जाती है, वृश्चिक राशि के अंतर्गत स्थापना मानी जाती है। एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भाजपा की कुंडली को लेकर के हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के कार्यक्रम में हम विराम देते हैं, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे हम लाइव आते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अपनी वैदिक जन्म पत्रिका संस्था के थ्रू जरूर प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।